दोस्तों, अक्सर पैसे को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता आदि। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते, कुछ तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं और महान फिलोसफिस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता ही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में लेखक ने 13 ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप पैसों के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा है। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। यह बुक आपको अमीर बनाने का रास्ता दिखाती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण है वह होता है अस्थाई पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए जानते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से। फर्स्ट स्टेप, टू बिकम रिच बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप, फेथ, आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं, आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया है तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसको नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसको सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें, इसके लिए नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं।
तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं सुनेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। फोर्थ स्टेप, विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस कोरी कल्पना का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। फिफ्थ स्टेप, इमेजिनेशन। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह इसे बुक में बताए इन 13 स्टेप्स से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा की कल्पना शक्ति की बात बताते हैं, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी यह सॉफ्ट ड्रिंक इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा, उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने यह कर भी दिखाया। सिक्स्थ स्टेप, आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ पर एक सजेशन यह भी देते हैं कि अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। सेवेंथ स्टेप, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालमटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। एट्थ स्टेप, सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डिवोशन, यानी लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छुपा है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए हैं लोगों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य। दूसरा, निश्चित योजना। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग। और चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। 9th स्टेप, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रतिभाशाली योजनाएं क्यों न बना ले, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना जरूरी है। अब बात आती है ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरीज का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होती है,
यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात कर रहे हैं। स्टेप, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में देखते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे तीन संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वास्थ्य बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रूपांतरण के द्वारा औसत दर्ज के व्यक्ति का जीनियस बन जाना। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। 11th स्टेप, अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बात पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे, तो सकारात्मक बैकअप रखेगा। वही अगर नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे, तो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांस और आशा, जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है। वह है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध और अंधविश्वास। 12th स्टेप, हम सभी का मस्तिष्क दो तरीकों से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महानतम शक्तियां हैं वह सब अमूर्त ही होगी। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। अगर आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। 13th स्टेप, छठी इंद्री का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में क्या है। यह ही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने इसे पूरा पढ़ते समय महसूस किया होगा कि आप मानसिक प्रेरणा के उच्च स्तर तक उठ गए हैं। यही इस किताब का लक्ष्य भी है। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समरी। आप अगर कोई और भी किताब की समरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये समरी आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।